दोस्तों, मैं आपका साथी हमदर्द, भजन गायक गीतकार ओम प्रकाश अग्रवाल। हम सब इस धरती पर भगवान के मेहमान हैं। मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैंने फैसला किया है, संकल्प लिया है कि मैं निरंतर अब आपसे रोज बात करूँगा। मुझे कई लोगों ने प्रोत्साहित किया और कहा कि आप लोगों को जन जागृति कीजिए और उनको उनके विकास के लिए कोशिश कीजिए। मैंने पिछले कुछ सालों में 5,000 से ज़्यादा भजन लिखे, जबकि मैं उसके पहले 5-6 साल पहले नास्तिक व्यक्ति था। न मंदिर गया, न मस्जिद गया, न भजन सुने। और जब दोस्तों के साथ में मैं मंदिर जाता था तो मैं पायरी पे बाहर बैठता था, कोटे पे बैठता था मैं बाहर। एक बार मुझे अंदर बुलाया गया और भगवान की प्रेरणा से मुझे श्रावण सोमवार था, उस दिन मुझे भजन सुनाने के लिए कहा। देखिए, मैंने पहला भजन कौन सा सुनाया। पीला दे ऐसी भांग पीला दे, बोले पीला दे ऐसी भांग पीला दे, ऐसी भांग पीला दे, ऐसी भांग पीला दे जो तन मन मेरा मजा। पीला दे ऐसी भांग पीला दे पीला दे ऐसी भांग पीला दे, बोले पीला दे ऐसी भांग पीला दे। सभी श्रोताओं ने इस भजन को बहुत ज़बरदस्त प्रतिसाद दिया और पिला दे बहुत देर तक गाते रहे, बहुत दूर तक आवाज़ आई उनकी। मेरा जोश बढ़ गया और दूसरे दिन से फिर मुझे और बड़ी बड़ी स्टेज मिलते गई। हर रोज़ नई स्टेज मिली। आज तक देश भर में 1,000 से अधिक जगह मेरे कार्यक्रम हुए और मुझे सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। दोस्तों, सफलता के लिए मैंने एक देखा, इच्छा, संकल्प और प्रयत्न, इससे हम सफलता पा सकते हैं। हमारी इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की और उस इच्छा को के लिए हमने संकल्प करना चाहिए कि भाई ये मैं करके रहूँगा और करूँगा, और उसके लिए आखिरी तक कोशिश करना चाहिए। अखंड पागल के शरीर की कोशिश करना चाहिए, तब सफलता मुझे मिलती है। मुझे भजन गायक, जहाँ कि मैं कभी भजन सुने नहीं थे, गाए नहीं थे, मैंने मेरे से 5,000 भजन दिखाए गए भगवान ने और मैंने उनकी सेटिंग किया, म्यूजिक भी बैठाया। और पूरे देश में मेरे अब कार्यक्रम, भजनों के कार्यक्रम होते हैं। 3,000 गीत गजल कविता मैंने लिखी। जिंदगी बहुत आसान है, मैंने देखा। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए और अपना ध्येय रहना चाहिए। कुछ जीवन में अगर ध्येय है तो वो चीज़ हमें प्राप्त होती है, ये मैंने देखा। हम सब कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और जैसी हम कामना करते हैं वो चीज़ें हमें मिलती है। हम कामना करो, कामना करने की ज़रूरत है और उसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है। वो भी पागल के शरीर की कोशिश करनी पड़ेगी। शादी को कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, हमें सफलता निश्चित मिलती है। मैंने ये एक मार्ग किया और लोगों को बताया, किया, समझाया। आप भी वैसा ही कीजिए। मैं पहला भजन गायक हूँ। उपराष्ट्रपति के सम्मान में, मंत्रिमंडल के सम्मान में, विज्ञान भवन दिल्ली में मेरा मैंने भजन सुना है। वो भजन मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। बोल सुनिए आप। जिंदगी ऐसी जिए, शान सबकी बढ़ जाए,
काम कुछ ऐसे करे, काम सभी के आ जाए, काम सभी के आ जाए। जिंदगी ऐसी जिए, शान सबकी बढ़ जाए, काम कुछ ऐसे करे, काम सभी के आ जाए, काम सभी के आ जाए। दुख में सभी के दुख बटाए, दुख में सभी के दुख बटाए, न्याय ऐसे कर जाए कि अन्याय न होने पाए, ऐसा कुछ करते जाए। जिंदगी ऐसी जिए, शान सबकी बढ़ जाए, काम कुछ ऐसे करे, काम सभी के आ जाए, काम सभी के आ जाए। संकट में जो काम आए, अपना उसी को कहते हैं। खुशियों में तो यारो सभी साथ में रहते हैं। संकट में जो काम आए, अपना उसी को कहते हैं। खुशियों में तो यारो सभी साथ में रहते हैं। जिंदगी ऐसी जिए, शान सबकी बढ़ जाए, काम कुछ ऐसे करे, काम सभी के आ जाए, काम सभी के आ जाए। कैसे चलना है जिंदगी में? अब राह ऐसी हम चले, पाट किसी को ना चुभे। तीर, तीर यानी शब्द, तीर ऐसा ही चले, जख्म सभी के भर जाए। राह ऐसी हम चले, काट किसी को ना चुभे। तीर ऐसा ही चले, जख्म सभी के भर जाए। जिंदगी ऐसी जिए, शान सबकी बढ़ जाए, काम कुछ ऐसे करे, काम सभी के आ जाए, काम सभी के आ जाए। आखिरी की दो लाइनें आप सब श्रोताओं के लिए। रहना ऐसे आँखों में, काजल जैसे लग जाए। रंगना ऐसे पानी में, जैसे रंग घुलता जाए। जिंदगी ऐसी जिए, शान सबकी बढ़ जाए, काम कुछ ऐसे करे, काम सभी के आ जाए, काम सभी के आ जाए, काम सभी के आ जाए। नमस्कार दोस्तों, कल फिर अपनी मुलाकात होगी। जो आप विषय बोलेंगे मेरे संपर्क करेंगे, ऐसे ऐसे करूँगा। नमस्कार। अरे